हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स। कुछ एक टॉपिक हमारे अभी चैप्टर में बाकी है, बट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है हम उसे पहले अप्लाई करके देखें कि हम लोग ये अप्लाई कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स। ऑल्सो जिन जिनके पास में टेक्स्ट बुक है इट इज़ वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है प्लीज़ PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर फिर भी कोई इशू आप लोगों को आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल सेंड द फोटोज ऑफ द टेक्स्ट बुक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट का ए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। वॉल्यूम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, फिल इन द ब्लैंक हमें दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। ये जो क्वेश्चन मेनली दिया हुआ है ये सिर्फ आपको कन्वर्जन के लिए दिया है कि आपको सेंटीमीटर मीटर इन चीजों का आप जो कन्वर्जन है वो प्रॉपरली कर पाए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 × 10⁻², पूरे का होल क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा मीटर क्यूब। आंसर आपका 1 × 3·2·6 − 6 m³। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। किसका सरफेस एरिया ढूंढना है, बी पार्ट हम लोग कह रहे हैं सॉलिड सिलेंडर। अब क्या दे रखा है उसमें, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सरफेस एरिया में लिखना है तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। जो चीज आपको सेंटीमीटर में दे रखी है यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर। तो रेडियस 2 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 2 × 10 इट इज 20 mm, हाइट 10 सेंटीमीटर तो 10 × 10 इट इज 100 mm। पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए, उसके बाद में सरफेस एरिया और सिलेंडर का फॉर्मूला हमें निकालना है। याद होना चाहिए आपको, 10 स्टैंडर्ड का आपका पार्ट है। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr × r + h, तो 2 × 22/7, r की जगह आएगा 20, यहाँ पर आएगा 20 + 100। कैलकुलेशंस आप लोग अपने आप करेंगे, जो नॉर्मल कैलकुलेशंस है वो मैं कर करके दे रही हूँ, जहाँ पे डेसिमल आंसर है आप लोग अपने आप निकाल लीजिए। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 880 × 120/7, जो भी है इट इज मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ओके, यहाँ तक आप थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ही रखना है कि सपोज करिए आपका आंसर जो भी आ रहा हो 1, 5, आपका आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आ रहा है, इसीलिए मैंने रैंडम नंबर दे दिया कि आपका कंपैरिजन ना रहे, तो आप लोग इस टर्म में आंसर नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम मान के चलेंगे कि इसके बाद क्या है, डेसिमल के बाद में 0 प्रेजेंट है। इस डेसिमल को हम 1, 2, 3, 4, 5 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स हम लोग इसे लेफ्ट में लेकर आएंगे। जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट में लेकर आ रहे हैं पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। वापिस समझिए, थोड़ा सा ही आप लोगों को बाद में भी काम में आना है कि
जो भी आंसर आप लोग दे रहे हैं, ये सपोज करिए हमारे पास में 2, 3, 4, 5 ऐसा कोई आंसर है, तो हम लोग इस आंसर को प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में कैसे लिखेंगे, या सपोज करिए इसके बाद ये है गेटिंग, अब हमें इसको लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा, इट इज 1, 2, 3 टाइम्स ये यहाँ पर आएगा 2.3456 into 10^3, डेसिमल को लेफ्ट में लेके आओगे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव आप लोगों को ऊपर लेना है, उसके बाद देखिए कि 2.3 अगला नंबर 4 है, राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 2.3 into 10^3, यही चीज हमारे पास में ऐसा हो कि 0.002345, अब डेसिमल कहां पे ले जाना पड़ेगा आपको, राइट साइड पे, इट इज 1, 2 and 3, 2.345 into 10^-3, जब डेसिमल को राइट साइड ले जाओगे तो ऊपर माइनस, और जब लेफ्ट साइड लेकर आओगे तो पावर यहां पर आएगा प्लस, तो जो भी आप आंसर दे रहे हैं आप इस फॉर्मेट में देंगे, आपके पास एक डिजिट डेसिमल, उसके बाद में डेसिमल के बाद एक डिजिट या ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट, बस उससे ज्यादा आप डिजिट यूज नहीं करेंगे। चलिए थर्ड पे चलते हैं, फर्स्ट का सी, इट इज अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ, स्पीड हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, कवर्स डैश मीटर इन सेकेंड, कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड, यानी स्पीड दी हुई है यहां पर, यूनिट मीटर आ रही है, मतलब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, यहां पर हमें फाइंड करके देना है उनको डिस्टेंस, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला बोलता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट देयर इज एन इशू, इशू किस बात का, कि यहां पर हमें जो ऑप्शन में दे रखा है वो दिया है कि आंसर आपका मीटर में आना चाहिए और यहां पर कौन है किलोमीटर, ठीक है, देखिए 18 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10^3 यानी 1000, और अपॉन में आर है, नीचे है आर, आर को मिनट्स में करने के लिए 60 और सेकेंड में करने के लिए एक और बार 60, 0000, ठीक है, 6 3 18, 3 2 6, 2 5 10, हमारे पास बचा 5 = डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, टाइम हमें दे रखा है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए d = 5 मीटर, एक और शॉर्टकट समझिए, जरूरी नहीं कि हम ये पूरा ऐसा लिखें, जरूरी नहीं ऐसा, कि अगर हमें 18 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आपका सिंपल काम क्या है, 18 × 5/18 करिए, 18 कट, क्या बचा 5, देखिए यहां क्या आया 5, आपको ये पूछेगा हम क्यों ये लर्न करें, तो ये आपकी अपनी खुद की मर्जी है आपको लर्न करना है या नहीं, आपके पास ये है, और ये 5/18 कैसे आया मैं वो भी बता देता हूं, कि जब हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं ये 1000 मैंने ये लिखा, उसके बाद नीचे आर से मिनट और सेकेंड, यानी यहां पर 60 × 60, 0000, 2 5 10, 2 3 6, 5 6 3 18, क्या आंसर आया 5/18, तो अगर आपको समझ में आता है तो किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए हम सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यू कैन डू दैट, कोई मना नहीं करेगा और कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, बाकी आपके पास आपका मेथड है कि किलोमीटर से मीटर, आर से मिनट, मिनट से सेकंड, सब कुछ कन्वर्जन करिए
इक्वल टू 5 मीटर. चलिए फर्स्ट का डी इसमें हमें दिया है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3. कौन सी डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3. इट्स डेंसिटी इज मतलब डेंसिटी ऑफ लेड इज क्वेश्चन मार्क है. काय में चाहिए हमें? हमें चाहिए डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब. दोनों के टर्म्स में हमें यहां पे आंसर चाहिएगा, केजी में भी और ग्राम में भी. फाइन, पहले तो वर्ड ये समझिए रिलेटिव डेंसिटी. ये टर्म आप लोगों ने पढ़ा है बट 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. एक चैप्टर था हमारे पास जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला टॉपिक था, उसके जस्ट बाद आपने ये वर्ड पढ़ा है रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव का मतलब होता है दो के बीच में कंपैरिजन, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव. अब जब रिलेटिव वर्ड आता है तो रिलेटिव के साथ कौन दे रखा है? डेंसिटी. तो हमें रिलेट किसे करना है? डेंसिटी को. और किसके साथ? तो लेड. तो लेड के साथ दूसरा कौन है? बात पता चल गई. दो के बीच में कंपैरिजन है तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक लेड है तो दूसरा कौन रहेगा? हमेशा जब भी कंपैरिजन होगा विद वाटर. ये बात आपको हमेशा हमेशा और हमेशा ध्यान में रखनी है. जब भी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, लेड वगैरह की बात नहीं कर रहे, जनरल फॉर्मूला, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉटर. ये फॉर्मूला हमारे पास में रहता है डेंसिटी ऑफ वॉटर को नीचे रखिए, ऊपर आएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉटर. रिलेटिव डेंसिटी, अब किसकी रिलेटिव डेंसिटी है? ऑफ लेड. तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड is equal to density of lead upon density of water. अब water की density gram में जब हम लोग लेते हैं तो gram per centimeter cube में water की density होती है 1, CGS unit में 1. चलिए लिखते हैं relative density हमें कितनी दे रखी है? 11.3. डेंसिटी ऑफ लेड हमें ढूंढना है अपॉन में डेंसिटी ऑफ वॉटर सीजीएस यूनिट में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर 11.3. यूनिट हमारी आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वापिस पहली बार फॉर्मूला, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉटर. दो की डेंसिटी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. जिस सब्सटेंस को हमें ढूंढना है वो ऊपर, और कंपेयर किससे करेंगे? तो हमेशा वाटर से, इसलिए वाटर हमेशा नीचे. आपको जब किसी भी टेस्ट के मार्क्स मिलते हैं, एग्जाम के मार्क्स मिलते हैं, तो हम लोग हमेशा लिखते हैं आउट ऑफ 100. तो 100 के कंपैरिजन में हम लोग अपने आंसर को देते हैं कि 100 में से 80 आया, 100 में से 70 आया, 100 में से 50 आया, जो भी आया वो 100 में से आया. ऐसे यहाँ पर जो कंपैरिजन होगा वो हमेशा किससे होगा? विथ वॉटर. तो डेंसिटी ऑफ वॉटर नीचे और ऊपर जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी हमें चाहिए वो. डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, यहाँ पे हमारे पास 11.3 है मल्टीप्लाइड बाय 1. अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि 1 कहाँ से आया, तो हमारे को याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम इज इक्वल टू 1. एक काम आपका खत्म हो चुका. डेंसिटी ऑफ लेड यहाँ पर आ गया 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब दूसरा पार्ट हमें क्या चाहिए? एक और भी चाहिए, और
उसके आगे लिखा है डैश केजी पर मीटर क्यूब। तो हम लोग फालतू मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में बदलेंगे। इट इज लाइक 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर क्यूब कहां पर है? नीचे। तो अब ऊपर 11.3 ग्राम से हमें जाना है केजी में, एक यूनिट ऊपर जा रहे हैं। इट इज इनटू 10^-3। नीचे हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब में जाना है, तो इनटू 10^-2 का होल क्यूब। नहीं पता चल रहा? ये भी ऐसा होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो ग्राम से केजी में जाने के लिए इनटू 10^-3, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10^-2, और इसका पावर, इसका पावर कितना है? क्यूब। तो हमारे पास फाइनल आंसर 11.3 इनटू 10^-3 अपॉन 3 2 6, इट इज 10^-6। माइनस 6 को ऊपर भेजोगे तो +6। फाइनल आंसर 11.3 इंटू 10^3 केजी पर मीटर क्यूब, यहां पर हमारा आंसर हो जाता है। फिर वापस मैंने आपको एक बात समझाई कि डेसिमल कैसा लिखना है, 1 पॉइंट के टर्म में आंसर आना चाहिए। यह आंसर रॉन्ग नहीं है, डेफिनेटली इट इज अ करेक्ट आंसर, बट अगर लिखने का तरीका आज से हम लोग अपना सुधारेंगे तो 12th के फाइनल एग्जाम तक, यानी 2 साल बाद तक जाकर सुधर जाओगे। 2 गलतियां आप लोग हमेशा करेंगे, एक तो आप लोगों को साइंटिफिक टर्म में लिखना जो आप जरूरी नहीं समझते आना चाहिए, और सेकंड आप लोग यूनिट का इम्पोर्टेंस नहीं समझते। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो पूरा यूनिट से रिलेटेड है, कि आपको यूनिट की इम्पोर्टेंस समझ में आए, ये यूनिट्स लिखना है और इनके कन्वर्जन आपको पता चले, इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये चीज सिखाई जाती है। चलिए अब डेफिनेटली कहां पर लाना है, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार लेफ्ट लाओगे तो ऊपर एक पॉजिटिव बढ़ना है, यानी +1, यहां पर आंसर आ जाएगा 10^4 केजी पर मीटर क्यूब। आंसर ये भी करेक्ट है, आंसर ये भी करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हमें बोलना है तो हम इसे मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द फर्स्ट पार्ट, सब कन्वर्जन ही कन्वर्जन है। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हियर। इट इज 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रॉपर अगर हम लिखते हैं तो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी से ग्राम में जाना है, छोटे यूनिट पे जाना है, तो केजी से ग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000, दैट इज 10^3। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 10^2, और इसका स्क्वायर पता चलेगा केजी से ग्राम में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ये स्क्वायर है इसलिए यहां पर भी हमने स्क्वायर लिखा, ये सेकंड स्क्वायर है वो भी सेकंड स्क्वायर है, तो नीचे हम कोई चेंज नहीं कर रहे, एज इट इज छोड़ देते हैं। अब 10^3 इंटू 2 2 4, 10^4, 3 + 4 = 7, आंसर 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, एक एक टर्म पे चलिए, केजी से ग्राम में, मीटर से सेंटीमीटर में, आराम से एक 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 लाइन को लिखिए, कोई जल्दी नहीं अपना, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कन्वर्जन और कुछ नहीं कर रहा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट सेकंड का भी, कन्वर्ट 1 मीटर इंटू डैश लाइट है, पता चलता है लाइट ईयर, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस लाइट ईयर, बट जब सन से हमारे पास तक लाइट आ रही है, कोई बहुत दूर से किसी स्टार से हमारे पास तक लाइट आती है, तो उसको हम लोग तक मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, लाइट हमारे यहाँ तक कितनी देर में, सॉरी कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करके पहुंची, दैट इज लाइट ईयर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि वन लाइट ईयर, यहीं पर लिख लेते हैं, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10^15 मीटर। एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10^15 मीटर, पता चलेगा कितनी बड़ी यूनिट है। तो एक मीटर कितना होगा, एक लाइट ईयर में कितने मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा, तो 1/, इसको नीचे लाइए, 9.46 इंटू 10^15 लाइट ईयर। अब आप डिवाइड करिए 1/9.46 को, आप चाहो तो इसको हटा के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 15 ऊपर जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 और ये दो जीरोस, इट इज माइनस 13। 1/9.46 इंटू 10^-13 लाइट ईयर आपको डिवाइड करना है, उसके बाद में आंसर लिखना, जो भी आंसर है फाइन। नेक्स्ट, कन्वर्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आर स्क्वायर, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसे लिखना सीखिए, इट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मतलब नीचे। उसके बाद अभी हमें ये नहीं मालूम कितना है यहाँ पर डैश, यहाँ पर है किलोमीटर और नीचे है आर। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीटर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर एंड सेकेंड स्क्वायर हैज टू बी कन्वर्टेड इंटू आर स्क्वायर। तो अब मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए उल्टा, अभी अपन मीटर से सेंटीमीटर और ऐसा छोटे यूनिट में जा रहे थे, अब बड़ी यूनिट में जाएंगे, बड़े में जाने के लिए 10^-3 यूनिट का कन्वर्जन थोड़ा सा आगे डालिए। मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं मतलब डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 को हमने लिखा इंटू 10^-3। अब ये सेकेंड है, वन लिख लेते हैं, सेकेंड से मिनट में जाने के लिए 1/60 और मिनट से आवर्स में जाने के लिए एक और 1/60 और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखें कैसे लिखेंगे इसको, इट इज 3 × 10^-3 अपॉन 1/ 60 × 60 × 60 × 60 कितनी बार ऊपर आ जाएगा, इट इज 3600 × 3600 × 3 × 10^-3 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करते जाना है, मल्टीप्लिकेशन जहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ आपको कंप्लीट करना है, सिर्फ बात को फॉर्मेट को समझिए कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखिए, किलोमीटर पर आर स्क्वायर है तो आपको पता चलना चाहिए कि मीटर से किलोमीटर में जाना है, सेकंड से आर में जाना है, तो मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000, सेकंड से आर में जाने के लिए पहले मिनट और मिनट के बाद आर, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, सेकेंड का डी,
सेकेंड का डी, इट इज कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसे हमें कन्वर्ट करना है डैश सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम। ये तो कुछ अजीब सा क्वेश्चन हो गया। कैसे अजीब हो गया? देखिए यहां पर न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है। अगर यहां मीटर का स्क्वायर है तो यहां सेंटीमीटर का स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है। अगर यहां पर केजी स्क्वायर है तो यहां पर ग्राम का स्क्वायर होना चाहिए था, वो भी नहीं है। सेकेंडली यहां पर सेकेंड आर मिनट ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहां पर है पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों यूनिट्स में कुछ गड़बड़ हो गई। दूसरी बात समझिएगा कि न्यूटन जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो न्यूटन की जो सीजीएस यूनिट होती है, न्यूटन की सीजीएस यूनिट को हम लोग बोलते हैं, सीजीएस यूनिट इज कॉल्ड एज डाइन। ठीक है, ये कन्वर्शन में आपको अभी आगे न्यूमेरिकल आएगा उसमें समझा दूंगे, बट फिर भी नाम आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा ही यूनिट है, सीजीएस यूनिट कहलाती है डाइन। तो डाइन वर्ड तो वहां पे है ही डाइन। अब क्या करें, चलो सोचते हैं, देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इट इज लाइक दिस, याद रहेगा। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि न्यूटन किसकी यूनिट थी। न्यूटन वॉज द यूनिट ऑफ फोर्स। वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आपको समझाया था तब आपको लिखवाया था कि F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास केजी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी फर्स्ट डे जिस दिन पहले दिन पढ़ाया था उस दिन आपको यूनिट पढ़ाई थी, और तब आपको समझाया था कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना बड़ा लिखने की बजाय हमने ऐसा यूनिट ए की दे दी विच इज कॉल्ड एज न्यूटन। तो न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इस न्यूटन को रिप्लेस करेंगे बाय केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला मीटर स्क्वायर एज इट इज, और ये वाला केजी स्क्वायर भी एज इट इज, पता चलेगा। अब ये केजी एक केजी कट, कन्वर्ट करते हैं इसको, कैसा हो गया ये, इट इज मीटर इनटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। उसके बाद ये वाला पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला केजी ऊपर जाएगा, क्या हो गया केजी रेज टू -1, इट इज पर केजी। अब कंपेयर करें, अब कंपेयर होता है, अब हमारे पास यूनिट ये वाली आ चुकी। हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर केजी। हमने इस पूरी यूनिट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, और अब हमें चाहिए इक्वल टू डैश सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम। व्हाट डज इट शोस? 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से हमें जाना है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 रेज टू 2 और ऊपर पावर आएगा s माइनस 2 से पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। पर केजी मतलब कहाँ पर है केजी? नीचे। और केजी से हमें कहाँ में जाना है? ग्राम में। केजी से ग्राम में जाने के लिए 1000, इट इज 10 रेज टू 3। चेंज करते हैं, इट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 इंटू 10 रेज टू 2, 2 3 जा 6, तो ये हुआ 10 रेज टू 6, और ये 10 रेज टू 3 ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू -3। आपको लिखने का तरीका, ये जो 100 है इसको लिखिए 10 का स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, क्या
into 10 raised to 11 or 3, 14, 14 means 6 gap. कितना बचा? 8. It is minus 8 centimeter cube per second square per gram. This is your final answer. सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं. ग्राम, केजी, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, सिर्फ इन्हीं चीजों में हम अपना घूम 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 कर, नया कुछ भी नहीं, बट स्टिल ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए. एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेटली ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है भले ही 1-1 मार्क के आते हैं, बट इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, आपको करना आना चाहिए. प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. बाय.